नमस्कार, मैं प्रिया, स्वागत करती हूँ आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। आज हम बात करेंगे ऐसे गांव की जो आज भी विकास की राह देख रहा है। आज़ादी के 70 साल बीत गए, अब हम 4G के ज़माने में जी रहे हैं। सरकारें बड़े बड़े विकास की बातें करती है, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कानपुर देहात के रसूलाबाद विकास खंड क्षेत्र के गांव सिमरिया की, जहां लोगों को नदी को पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जहां एक तरफ सरकारें विकास की बड़ी बड़ी बातें और वादे करती हैं, वहीं दूसरी तरफ विकास इतने पीछे छूट गया कि लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। मोदी सरकार कहती है कि जल्द ही देश में बुलेट ट्रेन चलेगी, लोगों को आसानी होगी, कम समय में आदमी कहीं भी आएगा और जाएगा। लेकिन एक बात बताइए जरा वजीर आजम, जहाँ नदी पार करने के लिए पुल तक नहीं है, ऐसे देश में बुलेट ट्रेन चलाने का क्या फायदा? जी हाँ, कानपुर देहात के सिमरिया गांव में ग्रामीणों को गांव के बाहर जाने के लिए नदी पार करनी होती है, लेकिन उस नदी को पार करने के लिए आज तक कोई पुल नहीं बनाया गया, तो ग्रामीणों ने खुद लकड़ी का पुल बनाया ताकि उन्हें लंबा सफर ना तय करना पड़े गाँव के बाहर जाने के लिए। ये ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर रोज बच्चे अपनी जान की बाजी लगाकर नदी पार करते हैं। क्या करें, मजबूरी है, डर तो बहुत लगता है, लेकिन पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। बहुत डर लगता है जाने के, गिरने के भी बहुत संभावना है। सिर्फ इसलिए कि उन्हें शिक्षा मिल सके। जरा सोचिए, क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? सरकार को सोचना नहीं चाहिए कि एक छोटा सा पुल बनाकर हम उन तमाम लोगों के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं? नदी को पार करते वक्त गांव के कई बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लकड़ी को हम लोगों ने सबने मिल के बनाया है, सरकार ने नहीं बनाया तो दिक्कत यह है बच्चा नदी में डूब जाते हैं, चले जाते हैं उतराने है? का हुई वो चाहिए उसको, ऐसे हुई वो चाहिए जो विकास बढ़िया बन जाए, बच्चे पढ़न जाए और जीवन उनको सुधर जाए। आना जाना का शादी नहीं होती है ना, लड़के ने कहा तो चले जाओ। क्यों शादी नहीं आती आपके गांव में? और रास्ता नहीं है और कोई पुल नहीं है, तो ये कैसे निकलना होता जब पुल नहीं है? इधर पैर के खड़ा है कि डूब जाए, अब कुछ दिन डूबी गो लड़का आई है। सवाल ये उठता है कि जिन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, क्या उनकी जिंदगी की कीमत नहीं थी? क्या उन्हें जीने का हक नहीं था? ऐसे बच्चे जो अपना भविष्य बनाने के लिए अपनी जिंदगी जोखिम में डालते थे, वो प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ गए। अब देखना होगा कि सरकार इन हादसों से सबक लेकर जागती है या फिर उसे कई और बड़े हादसों का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।